प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि हो अथवा चमत्कार उत्पन्न हो तब वहाँ अर्थालंकार होता है, अर्थात अर्थ के माध्यम से अर्थ में कोई सौंदर्य या चमत्कार पैदा हो तो वहाँ अर्थालंकार। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था शब्दालंकार के बारे में। इसके निम्नलिखित भेद हैं। भेद तो बच्चों इसके अनेक हैं लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में हैं वो 5 हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां मानवीकरण अलंकार। तो इनके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। पहला उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान करेंगे बच्चों, इसके जो वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सम, सदृश, समान, ये सब क्या हैं इसके वाचक शब्द। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है तो उसे उपमेय कहते हैं। उदाहरण में सीता के मुख की समानता की जा रही है तो सीता का मुख यहाँ पर क्या हो गया, उपमेय। दूसरा इसका अंग है उपमान, प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है तो उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण में प्रस्तुत व्यक्ति सीता के मुख की तुलना अप्रस्तुत वस्तु यानी कि चंद्रमा से की गई है तो यहाँ पर चंद्र क्या हुआ, उपमान। तीसरा है वाचक शब्द। उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण में तुलनात्मक प्रयुक्त शब्द के समान, वो है वाचक शब्द के समान। चौथा है साधारण धर्म, या बच्चों इसे समान धर्म भी कहते हैं। इसकी परिभाषा, उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है तो उसे साधारण धर्म या समान धर्म कहते हैं। उदाहरण में सुंदर जो है वह साधारण धर्म या समान धर्म है। अब इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से बच्चों जान लेते हैं। इसमें पहला उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात पीपल के पत्ते के समान जो मन है वो डोलने लगा, तो इसमें मन क्या है, उपमेय, और पीपर पात पीपल के जो पत्ते हैं उपमान, और इसमें वाचक शब्द क्या है, सरिस। सरिस मतलब समान, के समान। साधारण धर्म इसमें डोला अर्थात डोलने लगा। दूसरा उदाहरण पर ध्यान देंगे, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद से इसका मतलब कमल के समान, शिशु वृंद छोटे छोटे बच्चे। उपमेय इसमें है शिशु वृंद और उपमान है अरविंद और वाचक शब्द इसमें से, और बच्चों इसमें साधारण धर्म नहीं है लेकिन यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि 4 अंग जो माने जाते हैं, उपमेय, उपमान,
वाचक शब्द साधारण धर्म, लेकिन कभी कभी इनमें से एक अंग नहीं हो तो भी यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। दूसरा हमारा अर्थालंकार का उदाहरण है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और बच्चों इसमें वाचक शब्द नहीं होते हैं, इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है। जैसे उपमा अलंकार में वाचक शब्द थे लेकिन इसमें वाचक शब्द नहीं होंगे, तो आपको पहचान करने में आसानी रहेगी। जहाँ वाचक शब्द आपको मिलेंगे तो वो क्या है, उपमा अलंकार, और जहाँ आरोप किया जाए उपमेय पर उपमान का, तो वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। इसे उदाहरण के माध्यम से जानो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लै हूँ, इसमें कहा गया है हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी चांद रूपी खिलौना लूँगा। तो यहाँ जो चंद्रमा है वो उपमेय है और उसमें खिलौना क्या है, उपमान, मतलब खिलौना जो है वो चांद के रूप में, चांद रूपी खिलौना। तो इसमें इसे उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक माना गया है, और इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है और इसमें कोई वाचक शब्द नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराय, इस उदाहरण में चरण जो है उपमेय है और कमल जो है उपमान, तो चरण में कमल का आरोप होने से यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो बच्चों आज हम ये दो ही उदाहरण पढ़ेंगे, बाकी जो तीन हैं वो अगले वीडियो में आपको